हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर एक बाहर का ऑर्डर है सर। मैम आपका कुछ ऑर्डर? कॉफी जी। कुछ मंगवाई क्या? वही रोज की तरह कॉफी। अरे मैडम को मुझे भी हेलो चलो बोल कर आने दे। क्यों? मैम आपकी कॉफी जस्ट द वे यू लाइक इट। मैम वैसे एक बात बताऊं, आज ना बहुत सुंदर लग रही हैं। चाय चीनी कॉफी सब फेल है आपके सामने मैम। मैं आपको एक शेर सुनाऊं? मैंने एक शेर तैयार किया है मैम, मैं शायर भी हूँ, सुनाऊं आपको? मैम एक बार सुन लीजिए। मैम संजय, हमें उस लड़की का पीछा करना है, मुझे उस टैक्सी में जा रही है। मेरा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया, हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा, तुम बस उस गाड़ी के पीछे पीछे चलो। संजय इन दोनों का चक्कर चल रहा है। I just knew it. बस करो मीरा, ये दोनों भी हमारी तरह अच्छे दोस्त हो सकते हैं। कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें देख नहीं रहा इन दोनों का चक्कर चल रहा है। अंश मुझे कितना उल्लू बना रहा है, रोज ऑफिस के बहाने इस औरत से मिलने आता है। ओ कम ऑन मीरा, अंश ऐसा लड़का नहीं है, तुम भी बस ना हद करती हो। देखा ये दोनों साथ में कहीं जा रहे हैं, जरूर डेट पे जा रहे होंगे। क्या हो गया तुम्हें मीरा, इस तरह शक से तुम्हें घुटन होगी। जस्ट शट अप संजय, बस बहुत हो चुका, आज इन दोनों की रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा। मीरा मीरा नहीं, मीरा कहाँ हो तुम? संजय मैं बीपी रोड में हूँ। बीपी रोड, वहाँ क्या कर रही हो? चल छोड़ दे, चल जा। साइड करा, साइड करा, साइड करा मैडम। हेलो हेलो मीरा, काय मैडम काय करता तुम्ही? लाइसेंस दाखवा लाइसेंस। मुझे प्लीज बहुत लेट हो रहा है, प्लीज जाने दो। अरे काय क्या गलती हो गई, आप ड्राइविंग करते समय फोन पे बात करता है, आपको मालूम नहीं है क्राइम है? चलो लाइसेंस दिखाओ, जल्दी 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 लाइसेंस। नहीं है, एक मिनट दे रही हूँ, जल्दी जल्दी। आपको फाइन भरना पड़ेगा।
मैडम बाहर निकलो चलो। अरे टिक्की खोलो जल्दी, टिक्की खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे अब क्या हो गया? लाश, इसलिए आपको जल्दी थी? लाश कहां पर है? इस डिक्की में। डिक्की में? जी सर। वार लगता है किसी नोकीले धारदार हथियार से वार किया है। खून भी बहुत बह चुका है। पलटाओ जरा। सचिन, लगता है इसे मारा कहीं और है, यहां रखा गया डिक्की में। सर तब तो विक्टिम की खूनी के साथ हाथापाई जरूर हुई होगी। हाँ हाथापाई तो हुई है। ये क्या, ये देखो हाथों पर, कलाई पर और पैरों पर भी रस्सी के निशान दिखते हैं। बांध के रखा था इसे कहीं। हाँ सर, लेकिन आसपास कहीं कोई रस्सी या कपड़ा तो दिखाई नहीं दे रहा। निखिल, इशिता, गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक इंच छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ अजय, अजय नाम है ना तुम्हारा? जी। ये तुमने देखी लाश पहले? जी सर, मैंने देखी। बहुत अच्छा काम किया तुमने अजय। थैंक यू साहब। गुड वर्क। ये गाड़ी आपकी है ना? नाम क्या है आपका? मीरा। और ये मरने वाला आदमी कौन है? सर ये मेरे पति हैं, अंश। क्या वो लाश तुम्हारे पति की है? जी हाँ। कहाँ ले जा रही थी? नहीं सर, मैंने नहीं मारा इन्हें। तो फिर ये तुम्हारे पति की लाश तुम्हारी गाड़ी के डिक्की के अंदर कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम ये लाश यहाँ पे कैसे आई। कैसे पता नहीं? कहाँ लेके जा रही थी गाड़ियाँ? अंश को ढूंढने के लिए निकली थी। ढूंढने के लिए? क्यों, ऐसी ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? आप फोन भी तो कर सकती थी ना, उसके दोस्तों से पूछ सकती थी। अंश कोई बच्चा तो नहीं था ना? सर उसको फोन नहीं लग रहा था और ऑफिस से फोन आया कि अंश ऑफिस ही नहीं पहुंचा, इसलिए मैं उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ऑफिस से फोन आया था अंश के? कितने बजे फोन आया था? सर 3 बजे। 3 बजे और अब बजे है 5, तो 2 घंटे आप कहाँ कहाँ घूम रही थी पति को ढूंढने? सर मैं सब जगह रास्ते में उनको ढूंढ रही थी पर मुझे कहीं नहीं मिले। और फिर मैं कॉफी शॉप भी गई थी। कॉफी शॉप? कॉफी पीने? नहीं सर, अंश की अक्सर वहाँ मीटिंग्स होती हैं, मुझे लगा शायद वो वहाँ पर गए होंगे, पर वो वहाँ पे भी नहीं थे। अच्छा फिर उसके बाद कॉफी शॉप के बाद कहाँ गई? सर मैं इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि संजय का फोन आ गया। संजय कौन है आप? मीरा के बचपन का दोस्त हूँ। ओह, मीरा जी के बचपन के दोस्त संजय जी। क्यों फोन किया था आपने? सर ये जानने के लिए ये कहाँ है। अच्छा और फिर कहां से फोन किया था? सर मैं इसके घर गया था इससे मिलने के लिए। सर मैं असल में इसके घर के पास ही रहता हूं। सर फिर? सर मैं इससे बात कर ही रही थी कि पकड़ी गई। सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपने पति का खून नहीं किया है। यकीन कीजिए, आपका यकीन करें हम। क्यों, आप अपनी गाड़ी के डिक्की में अपने ही पति की लाश को लेकर घूम रही थी, शायद आप उसे ठिकाने लगाने जा रही थी और आप कह रहे कि हम आपका यकीन करें। सर मैं एकदम सच कह रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। अच्छा अंश को आखिरी बार कब देखा था? सर वो सुबह अंश की एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और मीटिंग में जाने के लिए मैंने उनके लिए टैक्सी भी बुक करवाई थी,
सर मुझे टैक्सी सर्विस से कंफर्मेशन भी आ गया था कि अंश ऑफिस पहुंच गए हैं। आप चाहे तो ये देख सकते हैं मैसेज। हाँ वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है मीरा जी, अंश के लिए तुमने एक टैक्सी बुक की जबकि तुम्हारे पास एक गाड़ी है और वो भी ऑफिस जाने के लिए। क्यों? सर वो मुझे आज गाड़ी चाहिए थी इसलिए उनकी टैक्सी बुक करा दी। किस काम के लिए? यही कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए, मैंने आज गाड़ी अपने पास ही रख ली थी। अच्छा शॉपिंग कराने के लिए। मीरा जी बेहतर ये होगा जो कुछ भी है सच सच बता दीजिए, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। सर मैं एकदम सच कह रही हूँ, मैंने अपने पति का खून नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। तुम सच कह रही हो, लेकिन जब तक ये साबित नहीं होता ये जो कुछ भी हुआ है ना उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तब तक तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। नहीं सर। और सचिन इनके सारे डिटेल्स ले लो, जरूरत पड़े तो इन्हें भी बुला लेंगे। अभिजीत एक काम करो, इजी फेयर टैक्सी वालों के पास जाके पता लगाओ क्या मीरा ने टैक्सी बुक की थी क्या अपने पति अंश के लिए, और हम लोग एक कॉफी शॉप में जाते हैं जरा पूछताछ करने के लिए। अरे सुनो जी, यहाँ का मैनेजर कौन है? सर वो तो उधर है काउंटर पे। अच्छा थैंक यू। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। देखो हम लोग सीआईडी से हैं। आजकल हर कोई अपने आप को सीआईडी से समझता है। अरे इधर आ, आजा आजा सर। चलो बाहर। किससे कुछ पूछताछ करनी है? ये इसको पहचानता है? सर ये तो अंश है। सर काफी बार यहाँ पर आया है एक लड़की के साथ। कौन लड़की? मीरा? नहीं सर उमा। सर दोनों यहाँ पर आकर लैपटॉप पर काम करते थे, मुझे लगता था कुछ ऑफिस का काम करते होंगे, पर सर मैं पक्का नहीं बता सकता। अच्छा इस लड़की को देखो, दिखाई कभी इसे? हाँ सर ये भी पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर आ रही है। 5-6 दिनों से आती जाती रहती है? जी सर। अकेली या कोई साथ में होता था उसके? नहीं 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 सर, ये अकेली आती थी और वहाँ उस कॉर्नर में बैठती थी और यहाँ पर एक दूसरी लड़की बैठी होती थी उस पर नजर रखती थी। किस पर नजर रखती थी? उमा पर। मीरा ने हमें ये बात बताई क्यों नहीं कि उमा का पीछा कर रही थी? वैसे उमा के बारे में कुछ जानते हो? सर उमा की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हमारे पास है, अगर आप चाहे तो हम शेयर कर सकते हैं आपसे। प्लीज आइए सर। सर सर उमा का क्रेडिट कार्ड किसी ANG एंटरप्राइज के नाम रजिस्टर्ड है। ANG एंटरप्राइज? एक्सक्यूज मी। बोलिए सर। हम लोग CID से हैं। आज सुबह ही आपके टैक्सी सर्विस में किसी ने अंश नाम के आदमी को SKBR में छोड़ा है क्या? एक मिनट सर, चेक करके बताता हूँ। देख जी सर, बिरजू ड्राइवर था। क्या है वो? सर बाहर चलिए बताता हूँ। ए बिरजू इधर आना। जी साहब। ये साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर ये बताओ ये किस आदमी को तुमने आज SKBR में छोड़ा था? जी साहब। कितने बजे? साहब करीब 12:15 बजे, बहुत जल्दी में थे साहब, मैंने भी कार बहुत जल्दी चलाकर इधर से उधर से उसे पहुंचा दिया। पहुंचने के बाद जिस नंबर से बुकिंग हुआ था उस नंबर पर मैंने मैसेज भी कर दिया। ठीक है ठीक, अंश के ऑफिस से ही पता चलेगा वहां तक क्या हुआ था। यस सर।
देखिए हमें उमा से मिलना है, क्या वो है ऑफिस में? एक सेकेंड आप रुकिए, मैं बुला के लेके आती हूँ। थैंक यू। जी सर, कहिए। उमा, हम लोग सीआईडी से हैं। मैं इसे भी प्रतिमा। देखो, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है अंश के बारे में। अंश का खून हुआ है। अंश का खून हो चुका है। अंश का खून हो चुका है। मेरे तो अंश का खून हो चुका है। उमा सुनो, वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और इसी खून के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है हमें। एक बात बताओ, क्या तुम इसे जानती हो? पहले कभी देखा है इसे? सर, ये तो मीरा की तस्वीर है, अंश की बीवी। एक बार मैंने फोटो देखी थी इसकी, अंश ने दिखाया था। अच्छा, तो क्या उमा तुम्हें पता है कि मीरा तुम पर नजर रख रही थी पिछले 6-7 दिनों से? मेरा पीछा कर रही थी? नहीं सर, भला मुझसे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? एक बात बताओ, तुम और अंश कॉफी शॉप में क्यों मिलते थे रोज? सर, काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में? कैसे काम के सिलसिले में? सर, ऑफिस के काम के सिलसिले में हम लोग मिलते थे। ऑफिस के काम के सिलसिले में? कॉफी शॉप में? हाँ सर। सब मैंने ही नहीं, कॉफी शॉप या कोई भी पब्लिक प्लेस में काम करने को कहा था। वैसे आप? मैं इनका बॉस। तो जरा बताइए, ये ऑफिस का काम कॉफी शॉप में क्यों? सर, अंश और उमा कंपनी के लिए एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और ऑफिस में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ इंफॉर्मेशन लीक होने के ज्यादा चांसेस थे, इसी सिलसिले में हमने आज 12 बजे मीटिंग भी रखी थी, लेकिन वो आया ही नहीं। एक मिनट, एक बात बताइए, अगर अंश ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुम लोगों ने? अब जी, उसे फोन तो किया होता पता लगाने के लिए कि भैया कहाँ हो तुम, ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं, अंश का फोन आया था और उसने ये कहा कि उसे देर हो जाएगी आने में, क्योंकि बीच रास्ते में उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन सर, मीरा ने हमें बताया था कि अंश किसी टैक्सी से ऑफिस आया था। वही तो, मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि अंश ऑफिस आया ही नहीं। वैसे फोन कितने बजे आया था अंश का? सब 11:30 बजे। 11:30 बजे, और उसके बाद में कब कांटेक्ट हुआ उसका? सब उसके बाद उससे बात ही नहीं हो पाई, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, और क्लाइंट्स आ चुके थे, हमें मीटिंग शुरू करनी थी, इसलिए जैसे मीटिंग खत्म हुई मैंने फिर से उसको कॉल ट्राई किया, पर फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? 3:30 बजे। 3 या 3:30 बजे? 3 बजे सर। 3 बजे, तो फिर ये पता लगाना होगा कि ये अंश 11:30 और 3 बजे के बीच कहां गया था, किससे मिला था, और फिर किसने किया अंश का खून, और क्यों? 11, 12 13 14 15 16 17 18 19, 20। क्या हुआ सानुके? हैं, इस उम्र में गिनती भूल गया? गिनती नहीं याद कर रहा हूँ बॉस, मैं खूनी के वैशीपन के निशान गिन रहा हूँ। मतलब ये कि खूनी ने 1-2 बार नहीं, पूरे 20 बार वार किया इस बार। ये देखो। My God, यार कितनी बेरहमी से मारा है इसे।
किस हथियार से वार किया है ये? स्विस नाइफ से। स्विस नाइफ से? हथियार छोटा था इसलिए जब तक इसकी जान नहीं चली गई ये इस पर वार करता रहा। सड़क की मौत तो जरूर इस जख्म की वजह से हुई है, इस वार की वजह से। प्रभु आपको सालुकी की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बॉस ठीक कह रहे हो तुम, दरअसल इसी वार की वजह से मरा है ये। पता है मुझे? हाँ पता है ना आपको, इस वार से इसका हार्ट पंक्चर हो गया और ये बेचारा मर। सर एक बात और, मारने से पहले इन्हें बेहोश किया गया था। क्या बेहोश किया गया था? हाँ सर, मैंने इनके मुंह पे लगे हुए सूखे हुए झाग को टेस्ट किया जिसमें मुझे क्लोरोफॉर्म के कुछ ट्रेसेस मिले। अच्छा तो मतलब अंश को पहले क्लोरोफॉर्म दिया गया, फिर हाथ पैर बांधे और फिर से मार डाला। इसकी मौत कितने बजे हुई सड़के? दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच। अंश की मौत हुई 12 से 3 बजे के बीच दिन में, और उमा के कहने के मुताबिक अंश ने उसे आखिरी बार फोन किया था सुबह 11:30 बजे। मीरा और टैक्सी वाले के कहने के मुताबिक अंश ऑफिस पहुंचा था 12:15 बजे, और सारंगी के कहने के मुताबिक अंश की मौत हुई 12 और 3 बजे के बीच। ये सारा चक्कर है क्या? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। ये मीरा जरूर हमसे कुछ तो छुपा। मैंने हमसे कुछ नहीं छुपाया, मैं सब सच बोल रही हूँ। झूठ। 12 और 3 बजे के बीच में कहाँ थी तुम? 12 से 3 के बीच में मैं अपने घर पर ही थी। कोई सबूत है आपके पास आप घर पे ही थी? सर इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं अपने घर पे सो रही थी। 3 बजे अंश के ऑफिस से फोन आया था और मैं तभी उठी थी और फिर अंश को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। अंश को ढूंढने के लिए निकल गई? अंश को ढूंढने के लिए निकल गई, यही बात बार बार दोहरा रही हो तो बताओ सच क्या है? सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुमने हमसे ये बात छुपाई कि पिछले 6-7 दिनों से तुम कॉफी शॉप जा रही थी उमा पर नजर रखने के लिए। कौन उमा? मैं किसी उमा को नहीं जानती। वही उमा जिसने आपको फोन किया था अंश के बारे में पूछने के लिए। सर मैं जिसे जानती तक नहीं हूं मैं उस पर नजर क्यों रखूंगी? पूर्वी ले जाओ इसे, समझाओ जरा। चलो सर, ये खून की सारी बात पेट में दबा के बैठी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है। वही तो पता लगाना चाहिए, 12 और 3 बजे के बीच ये मीरा थी कहां पर? ये तो कह रही है घर में थी, सो रही थी। सर ये इजी फेयर टैक्सी का ड्राइवर था जो बिरजू, उसने बोला कि अंश को 12:15 बजे जब उसने SKBR छोड़ा था उसके बाद इसने मीरा को फोन करके कंफर्म किया था। अगर ऐसा होता तो फिर ये अंश ऑफिस में क्यों नहीं गया, मीटिंग में क्यों नहीं गया, और फिर उमा ने हमें ये क्यों बताया कि अंश का फोन आया था कि वो कहीं बीच रास्ते में अटका है, टैक्सी का इंतजार कर रहा है। सर ये कहीं बिरजू तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है? अभिजीत ये बिरजू ही गड़बड़ है, बिरजू ही गड़बड़ है। उसे फिर से पूछताछ करते हैं, उठाओ इस बिरजू को। देखो कहीं छुपके तो नहीं बैठा ये बिरजू। आइए सर। ये बिरजू कहाँ है? सर वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? कहाँ गया? सर कुछ देर पहले वो अपने गांव के लिए निकल गया। क्या बकवास कर रहे हो, कल यहीं पे था, अचानक गांव के लिए चला गया। सर वो बिरजू तो कहीं नहीं मिला। सर अंदर भी कोई नहीं है, शायद अभी बस स्टैंड पर होगा। कौन सा बस स्टैंड? यही पास में है जहाँ से गोदीपुर के लिए बस जाती है। Right,
गलती हो गई साहब। गलती हो गई? गलती हो गई साहब। फोन करके भाग रहा है, बोला गलती हो गई। खून, खून मैंने नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। समय देके भागा क्यों है? मुझे लगा वो साहूकार आप लोगों को मेरे पीछे भेजा होगा। वो जुए में मैंने बहुत उधार ले ली ना साहब, इसलिए। तो जुए के चक्कर में तूने अंश का खून कर दिया और उसके पैसे लेके भाग गया? बिल्कुल नहीं। तो फिर झूठ क्यों बोला तूने कि तूने अंश को 12:15 बजे एसके विहार में छोड़ा था, जबकि वो ऑफिस पहुंचा ही नहीं? साहब डर के मारे वो अंश साहब को मैंने बीच रास्ते में उतार दिया, ये बहाना बनाकर कि गाड़ी खराब हो गई है। क्यों, क्यों किया था ऐसा? वो साहब जुए के अड्डे पर पहुंचना बहुत जरूरी था साहब, और उसी दिन सारा पैसा भी गवा बैठा। सर मगर मीरा को तो कंफर्मेशन मिली थी कि अंश को एसके विहार ड्रॉप किया गया है। साहब वो मीरा तो पागल औरत है साहब, वो मेरा पीछा करते करते जुए के अड्डे तक पहुंच गई साहब, और मुझ पर बरस पड़ी। फिर मैंने डर के मारे ये कह दिया कि मैंने उन्हें एसके विहार ही छोड़ा है। सर मतलब कंफर्मेशन के बावजूद मीरा अंश का पीछा कर रही थी? ये मीरा अगर अंश का पीछा कर रही थी तो उसने अंश को बीच रास्ते में उतरते देखा कैसे नहीं? ये बहुत टेढ़ी लड़की है, कुछ भी ठीक से बता नहीं रही है। कहाँ छोड़ा था तूने अंश को और कितने बजे? शायद आनंद विहार के पास 11:30 बजे के करीब। शायद बैठ छोड़, चल देखा कहाँ पे छोड़ा था। चल यही गाड़ी रोकी साहब, वहां पे साहब। कहाँ पे साहब? इधर से मैं टैक्सी लेकर आया था और यहीं पे छोड़ा था साहब। यहाँ पे? जी साहब। तुमने यहाँ से फोन किया था उमा को, यहाँ पे खड़ा है और उसे टैक्सी नहीं मिल रही है। किसी ने तो देखा होगा उसे यहाँ पे खड़े हुए इंतजार करते हुए। सुनो भाई, इस आदमी को तुमने देखा था क्या कल यहाँ पे 11:12 बजे? कल मेरी दुकान बंद थी। दुकान बंद? जी। ये मेडिकल स्टोर देखते हैं। दिव्या, दिव्या संभालो उसे। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से हैं। CID? जी हाँ। आप जरा ये फोटो देखिए, इस आदमी को देखा था क्या आपने कल यहाँ पे 11:12 बजे के बीच? हाँ सर, बहुत जल्दी में था, बेचारे को टैक्सी नहीं मिल रही थी, अब काफ़ी देर यहाँ खड़ा रहा। उसके बाद मैंने ही उसे आनंद विहार टैक्सी स्टैंड जाने के लिए कहा, लेकिन उसे वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? बस जैसे ही वो यहाँ से निकला, एक गाड़ी आके उसके सामने रुकी, उनकी कुछ बात हुई और वो गाड़ी में बैठ के चला गया। मुझे लगा किसी ने उसको लिफ्ट दी हो। क्या बात हुई? नहीं, वो लोग सड़क पे थे ना तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कितने बजे की बात है? 12:30 के बीच में आई होगी। सर उमा के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अंश का फोन 12:30 से बंद आ रहा था। गाड़ी का नंबर या ड्राइवर को देखा? सॉरी, मैंने गाड़ी का नंबर तो नोट नहीं किया, ना ही ड्राइवर को देखा। ओके, ठीक है। लेकिन हाँ, CCTV कैमरा लगा है हमारे, इसमें जरूर आया होगा वो। गुड गुड। पंकज, इस कैमरे की फुटेज ले लो, देखते हैं क्या पता चलता है, कौन ड्राइवर था और क्या था गाड़ी का नंबर। अंश अपने घर से निकलता है, बुक किए हुए टैक्सी में बैठता है, 11:00 बजे ऑफिस जाने के लिए निकलता है, मगर बीच रास्ते में टैक्सी वाला उसे उतार देता है। वो वहां से फोन करता है ऑफिस में उमा को, क्यों आ नहीं पा सकता, टैक्सी का इंतजार कर रहा है। मीरा जी, आपने अपनी गाड़ी अपने पास इसलिए रखी थी ताकि आप शॉपिंग नहीं बल्कि अंश का पीछा कर सके, और इसलिए उसके लिए टैक्सी भी बुक की थी आपने। और फिर टैक्सी वाले ने बीच रास्ते में अंश को उतार दिया, जो तुमने देख लिया? नहीं सर। कैसे नहीं देख लिया? तुम तो उसका पीछा कर रही थी ना। सर वो एक जगह पर टैक्सी मुझसे मिस हो गई थी। टैक्सी मिस हो गई? मिस हो गई थी या प्लान ही वैसा बनाया था कि टैक्सी वाला अंश को बीच रास्ते में उतारेगा, तुम उसको लिफ्ट दोगी और फिर कहीं ले जा करके उसका खून कर दोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी? जलन और शक के लिए क्यों? हाँ, ये सब सच है, मैं शक करती थी अपने पति पर, मैंने अपने पति का खून नहीं किया।
उस दिन मैं उनका पीछा कर रही थी और सुबह मैंने जानबूझकर उनसे झगड़ा भी किया। मीरा सुनो ना। हाँ। आज घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, ठीक है? सब मालूम है तुम्हारी कौन सी मीटिंग है और किसके साथ होती। मेरी वॉच ला दोगी प्लीज? हेल्प करो ना यार यहाँ आके। लाइन ये ले तुम्हारी वॉच। अच्छा सुनो मुझे आज आपकी गाड़ी चाहिए। नो वेज मीरा यार, 12 बजे तक ऑफिस पहुंचना हर हालत में, आज नहीं। तुम अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज मीरा आज नहीं। मुझे नहीं मालूम, मुझे आज गाड़ी चाहिए बस, तुम टैक्सी से जाओ। अरे टैक्सी आने में लेट हो जाएगी यार, और वैसे भी ये क्या काम है तुम्हें? किस लिए मेरी गाड़ी चाहिए तुम्हें? शॉपिंग करनी होती है कभी कभार, तुम नहीं समझोगे। कम ऑन मीरा यार, शॉपिंग तुम कल भी कर सकती हो, आज नहीं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं जी मालूम है, तुम्हारे ऑफिस ही सब कुछ है और मैं तो कुछ हुई नहीं ना। अरे यार अच्छा ये लो जाओ। थैंक यू। और हाँ तुम्हारे लिए टैक्सी मैंने पहले से ही बुक कर दी है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने पति को खून नहीं किया, मैंने नहीं मारा अपने पति को, मैंने ये खून नहीं किया। सर सर वो मेडिकल स्टोर की सीसीटीवी फुटेज, अभी फैसला हो जाएगा। किसकी गाड़ी है ये गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी मेरी है। अब ये मत कहना कि अंश को लिफ्ट तुमने नहीं दी। सर ये गाड़ी मेरी है लेकिन मैंने अंश को लिफ्ट नहीं दी। क्या ये सीसीटीवी फुटेज झूठ है? सर मैं उस दिन उसका पीछा करने जरूर निकली थी लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते वक्त मैंने देखा मेरी गाड़ी का टायर पंचर था। मैंने इमेजर की मैकेनिक को बुलवाया और वॉचमैन को चाबी दे दी थी। हेलो हाँ गैरेज से बोल रहे हैं? हाँ राजू भाई मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, मैं वॉचमैन के पास चाबी छोड़ के जा रही हूँ, आप प्लीज़ किसी को भेज देंगे और मेरी गाड़ी बनवा देंगे? जी थैंक यू वेरी मच। सर आप चाहे तो उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। सचिन चेक करो गैरेज वाले से। सर नंबर दीजिए। 1176 2354 54। हेलो हेलो जी। हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। सीआईडी से बोल रहे हैं जी? बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मीरा ने आपसे गाड़ी ठीक करने को कहा था क्या? जी सर फोन तो आया था लेकिन कुछ देर के बाद किसी ने फोन करके मैकेनिक भेजने को मना कर दिया था। क्या? जी सर ठीक है थैंक यू सर। गैराज वाले का कहना है कि मीरा ने फोन तो जरूर किया था लेकिन उसके बाद किसी का फोन आया और उसने कहा कि मैकेनिक भेजने की कोई जरूरत नहीं। मना कर दिया लेकिन किसने? आपने ही मना किया होगा और कौन कर सकता है? और मैं क्यों मना करूंगी? लेकिन वॉचमैन ने तो कहा था कि मैकेनिक आया था और उसने गाड़ी भी ठीक की थी। ठीक है रविजीत वॉचमैन से पता लगाते हैं कि है कौन ये मैकेनिक जिसने इनकी गाड़ी ठीक कर दी। सर
दिव्या, मीरा जी के साथ यहीं खड़े रहो। नमस्ते, आओ वॉचमैन, क्या नाम है आपका? माधव साहब। माधव, अच्छा माधव ये बताओ, ये मीरा मैडम ने अपनी गाड़ी की चाबी दी थी मैकेनिक को देने के लिए? जी साहब। और वो मैकेनिक आया था गाड़ी ले जाने के लिए? हाँ साहब आया था ना साहब, मैंने उसको मैडम की गाड़ी चाबी दी। ये मैकेनिक दिखता कैसे था? वो मैकेनिक का ड्रेस पहना था और सर पे टोपी थी और हाँ याद है साहब, उसने एक सोने की घड़ी पहनी थी, बहुत जबरदस्त घड़ी थी साहब। सोने की घड़ी? सर ये मैकेनिक है या गाड़ी का मालिक? अच्छा ये मैकेनिक कितने बजे आया था यहाँ? 11:15 आया था साहब। 11:15 बजे? और कितनी देर तक था वो यहाँ? साहब उसने तो 5 मिनट में पंचर ठीक कर दी थी, उसके बाद टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेके बाहर चला गया। पंचर बना के गाड़ी टेस्ट ड्राइव में लेकर गया? साहब वो कह रहा था टायर ठीक से लगी नहीं है, उसको टेस्ट करना था। और लौटा कब? 1:15 साहब। 1:15? 11:15 से 1:15 तक वो गाड़ी के टेस्ट ड्राइव कर रहा था, और अंश का खून भी हुआ था 12 से 3 बजे के बीच। सर ये कैसा मैकेनिक है जो सोने की घड़ी पहनता है और लंबी टेस्ट ड्राइव पे जाता है? एक ऐसा मैकेनिक जो मीरा के जाने के बाद आता है और उसके लौटने से पहले गाड़ी रख के चला जाता है। जो ये भी जानता है कि मीरा की गाड़ी पंचर है और वो घर पर नहीं है। इसका मतलब है वॉचमैन के अलावा कोई और भी जानता था इस पंचर के बारे में। चलो इस मीरा से पूछते हैं। मीरा जी, आपकी गाड़ी पंचर हुई थी इसके बारे में और कौन कौन जानता है? वॉचमैन को मालूम था। पक्का? जी। ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए, कल सुबह जब आप अंश का पीछा करने के लिए जब निकली थी तो आपने किसी से किस बात की थी या किसी से मुलाकात हुई थी आपकी? सर जैसे मैं घर से निकली मैंने देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था, मैंने वॉचमैन को बुलाया और उसे गाड़ी की चाबी दी और गाड़ी में बैठ के चली गई। एक मिनट, क्या कहा आपने, फिर से कही? मैंने वॉचमैन को चाबी दी और गाड़ी में बैठ के चली गई। जी। मतलब आपके पास कोई दूसरी गाड़ी भी? नहीं सर। तो फिर ये कौन सी गाड़ी में बैठ के गया? सर वो संजय, संजय मेरे बचपन का दोस्त है, वो यही बाजू में रहता है, उसने जैसे ही देखा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर था उसने फटाफट अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। अच्छा आपका ये दोस्त संजय सोने की घड़ी पहनता है? हाँ, आपको कैसे मालूम? आपके दोस्त संजय से मिलना होगा, कहाँ रहता है ये? सर वो 8th फ्लोर में 801 में रहता है। ओके, दिव्या तुम जरा, हम लोग संजय से मिल के आते हैं। ताला लगा? पूर्वी तुम लिफ्ट से नीचे आओ, हम लोग सीढ़ी से जाते हैं, चलो सीढ़ी से चलते हैं। गाड़ियों के टायर पंचर करता है, हम मुजरिमों की हवा निकालते हैं। सर मैंने ही अंश का खून किया है। क्यों, क्यों किया तुमने अंश का खून? सर मैं मीरा से बेइंतहा प्यार करता था, ये आज की बात नहीं, मैं मीरा से सालों से प्यार करता था, लेकिन इसने अंश से शादी कर ली और मुझे एक अच्छे दोस्त का स्टूपिड खिताब दे दिया। तो तुमने मार दिया इसके पति को? वाह रे वाह प्यार, वाह। पूरे दिन इसे अंश ही नजर आता था, जैसे मैं कुछ हुई नहीं, पूरा पूरा दिन उसका पीछा करना, उसकी बातें करना, मैं तंग आ चुका था। आखिर मैं भी इंसान हूं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब एक ही झटके में खत्म कर दूं। उस दिन Thank you.
कैसे जाऊंगी? हे भगवान, क्या हुआ मेरा? मैं, अरे संजय, ये देखो मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया। ओहो, मुझे इतनी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, पता नहीं कैसे जाऊंगी। तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, ये लो। आशीष श्योर? हाँ, तुम ले जाओ मेरी गाड़ी। मेरा प्लान परफेक्टली काम कर रहा था। मीरा के निकलते ही मैंने गैरेज में फोन किया ताकि वो मैकेनिक को ना भेजे। मैंने फटाफट मैकेनिक का भेष बदला, वॉचमैन से चाबी ली, मिनटों में गाड़ी का पंचर ठीक किया और गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकल गया। एक शॉर्टकट लेके मैं मीरा के आगे निकल गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अंश को रास्ते में खड़े देख लिया। मैंने अंश को बताया कि पंचर की वजह से मैंने गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकला हूं। बस वहां से कुछ ही दूरी में मैंने अंश को क्लोरोफार्म सुंघाया, वो बेहोश हो गया और मैंने उसके हाथ पैर बांधे और उसे मार डाला। मार दिया मैंने उसे, उसको मार दिया मैंने, और उसकी बॉडी को मीरा की गाड़ी की डिक्की में डाल दिया ताकि मीरा फंस जाए। संजय, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बचपन का दोस्त, वाह, प्यार करते थे ना तुम मीरा पर, बेइंतहा प्यार। प्यार करने वाले एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करते हैं, कभी जान नहीं लेते। मगर तुमने क्या किया? मीरा के पति का ही खून कर दिया। ये कैसा प्यार? कानून ऐसे प्यार को कभी माफ नहीं करता। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, कड़ी से कड़ी सजा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।